हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का वीडियो देख के जरूर से अच्छे हो जाएंगे वो दोस्त जिनको मेकअप करना अच्छा लगता है। तो मैं आपके इस पास लेके आई हूँ, आपके सामने आपकी खिदमत में लेके आई हूँ ये बहुत ही प्यारा सा शिमरी वाला पिंक आई मेकअप लुक, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है करना। मैंने सिर्फ 2-3 चीज़ें यूज़ की हैं एंड ये क्रिएट कर लिया है। बहुत सारे लोगों को गुलाबी शिमरी आईज़ बहुत अच्छी लगती हैं एंड बहुत बार मुझे मैसेजेस आए हैं कि मैं पिंक कलर की शिमरी आई लुक करूँ। लुक एट माई चुनके, पूरा मैं स्प्रिंग रेडी हो चुकी हूँ। डजेंट मैटर कि सर्दियाँ आ रही हैं या फॉल है, पर या पर आप इस लुक को शादियों वाले सीज़न में कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे दोस्तों को गुलाबी कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है एंड एक्चुअली मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार एंड बहुत ही प्यारी एंड ग्लोई मेकअप लुक लगी है ये। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस लुक को कैसे क्रिएट करें, प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बहुत प्यारी वीडियोज़ बनाती हूँ एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। विदाउट फर्दर ड्यू आज की वीडियो के साथ शुरू कर देते हैं। सो आई मेकअप को करने से पहले आईब्रोज को अगर ड्रॉ कर ले तो आपको पता चल जाता है कि आपको कहाँ पे काम करना है या कहाँ नहीं, क्योंकि उससे आइडिया हो जाता है कि कहाँ तक आप अपने आई शेडो को ड्रैग कर सकते हैं। सो एंगल ब्रश पे आईब्रो प्रोडक्ट लेने वाली हूँ मैं। यूज़ करूँगी लॉरियल की ब्रो स्टाइलस फ्रेम एंड सेट लॉरियल जेल, शेड का नाम है डीप ब्रूनेट। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आईब्रो का प्रोडक्ट है एंड इसका कलर भी बहुत अच्छा है एंड ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है आपके आईब्रोज पे। छोटा एक शीशा यूज़ करूँगी क्योंकि मेरा ना शीशा थोड़ी दूर है मुझसे। जहाँ पे मेरे आईब्रो के बाल नेचुरली हैं थोड़े बट कम हैं, वहाँ पे मैं क्लीन लाइन क्रिएट करूँगी। उसके बाद ब्रश के स्ट्रोक ऐसे बनाऊंगी जैसे बालों की ग्रोथ है, लाइक सीधा इस तरह इस एरिया को हम फिल कर देंगे। इस एरिया में कलर लगाने के लिए कोशिश करें कि आप ब्रश को बहुत ही हल्के हाथ से पकड़ें, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि यहाँ पे बहुत ही फेक एंड डार्क लगे। जितना हल्के हैंड से पकड़ेंगे उतना ही प्यारा लगेगा। देन ब्रश पे थोड़ा सा और कलर लिया है मैंने और मैं मेरे आईब्रो के यहाँ पे भी क्लीन लुक क्रिएट करूँगी, एक स्ट्रेट लाइन नेचुरल शेप की तरफ एंड थोड़ा सा नीचे की तरफ। उसके बाद ब्रश के साथ, स्पूली के साथ इसको अगेन से बालों को ब्रश करें ताकि जो अंदर रंग है वो हर तरफ इक्वली फैल जाए। सो इस तरह हमारे आईब्रो हो चुके हैं। दूसरा आईब्रो भी कर लेते हैं ड्रॉ। मस्कारा यूज़ करती हूँ मैं ग्रेट लैश मेबलिन का ब्राउन कलर और इससे मेरे बालों को ब्रश कर देती हूँ, आईब्रो के बालों को। इससे जो मैंने मेकअप किया है आईब्रो का वो सेट इन टू प्लेस हो जाएगा एंड मूव नहीं होगा और बाल भी नहीं हिलेंगे जब तक आप अपने मेकअप को खुद से क्लीन नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, आज हम पिंक कपड़े पहने हैं तो पिंक लुक करने वाले हैं। उसके लिए मैं ट्रांजिशन के लिए कोई पिंक शेड यूज़ करूँगी। आप कोई सा ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ब्लश यूज़ करने वाली हूँ ऑलवेज रोजी फ्रॉम एल्फ, अफोर्डेबल ऑप्शन है और मुझे लगता है कि ये प्यारा लगेगा। सो एक फ्लफी ब्रश पे इस ब्लश को लेके क्रीज से कलर लगाना शुरू करूँगी एंड अंदर की तरफ। मैं सॉफ्ट पिंक करना चाहती हूँ आज, तो हम बहुत ज़्यादा नहीं, इनर कॉर्नर की तरफ क्रीज में खूब सारा ब्लेंड करेंगे, कोई हार्श लाइन नहीं रहे। इसी कलर को मैं लोअर लैश लाइन पे भी लगा लूँगी थोड़ा सा। सो मैं वाटर लाइन पे नूड कलर लगाने वाली हूँ, नूड लाइनर। सो आईज़ के इनर आई कॉर्नर में ब्राउन कलर का लिक्विड लाइनर लगाने वाली हूँ मैं। ऑलराइट दोस्तों, अब मैं लेने वाली हूँ बहुत ही प्यारा सा पिंक, जो कि है जेम्स मॉर्फी की जेम्स पैलेट से। आप कुछ इस किस्म का दिखने वाला पिंक लें ब्रश पे, पर बहुत कम क्वांटिटी, क्योंकि ये बहुत ब्राइट है और मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी क्रीज में थोड़ा सा पिंक टिंट आए, क्योंकि अभी फ़िलहाल इतना आ नहीं रहा है। सो सिर्फ मैं आउटर कॉर्नर में और इनर की तरफ ड्रैग करूँगी ताकि इसकी थोड़ी लुक पिंक हो जाए, अदरवाइज ना अभी थोड़ी पीची ज़्यादा लग रही है पिंक के मुकाबले। मैं ये एक रोज़ गोल्ड सा शेड है, कोई सा भी शिमरी शेड लें जो पिंक की फैमिली से हो, उसे हम हमारी लिड एरिया में लगा देंगे या जो भी एरिया एम्प्टी है बिना शेड के है उस पर हम बहुत लाइटली लगा देंगे। मैं ना मेरे आई लुक को काफ़ी सॉफ्ट रखना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं कोई भी ड्रामेटिक या ज़्यादा डार्क शेड्स के साथ प्ले नहीं करूँगी, इसे थोड़ा इसी किस्म का रखेंगे। बहुत ही मैजिक पार्ट आने वाला है। अब मैं यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड का ये बहुत ही प्यारा ग्रुपी नाम का ग्लिटर, जो कि इस तरह का दिखता है। बहुत 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 अच्छा ग्लिटर है और बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं इसको फिंगर पर लेके हल्के हैंड से, इसके लिए आपको कोई ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इस पर ऑलरेडी ग्लू है, और मैं मेरी लिड के इस एरिया में ग्लिटर को लगाऊंगी अंदर की तरफ से बाहर की तरफ। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा ग्लिटर चाहिए। इसको ऐसे प्रेस करते हुए
अपने आईज पे लगा लें जहाँ पे भी आपको ग्लिटर चाहिए। मैं अंदर से बाहर की तरफ लगा रही हूँ। और अब क्या करेंगे कि जिस ब्रश से हमने सिमर के ब्रश से थोड़ा सा इसको ना स्मज कर देंगे दूसरी जगह के साथ। मेक श्योर करें कि ये जो रंग है ग्लिटर वो आपकी क्रीज में नहीं आए, क्योंकि क्रीज को हाईलाइट करके वो अजीब दिखता है। तो इसे हमें यहीं पर रहने देना है। अब आप थोड़ा सा इसे ड्राई होने दें, वैसे ये ड्राई है, गुड टू गो है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है फिलहाल। और अब हम लगाएंगे ब्यूटीफुल लैशेस। मस्कारा लगा लेते हैं। गाइज, लैशेस ना आपके मेकअप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। जो मैं लैशेस यूज़ करने वाली हूँ वो है सिमर लैशेस। ये है मेरी प्यारी लैशेस। जो स्टाइल आज मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है गोवा। ज़रूर से लैशेस ट्राई करें। अगर आपका मेकअप बिल्कुल सिंपल भी है ना, लैशेस के साथ वो 0 to 100 हो जाएगा। लैशेस को लगाने के लिए मैं ग्लू ड्यू ब्रांड का यूज़ करती हूँ। एंड लैशेस को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर से जाएं। अगर आप खरीदना नहीं भी चाहते हैं, एक बार विंडो शॉपिंग ज़रूर करें। एंड हमारे स्टोर पर नए प्रोडक्ट आने वाले हैं बहुत जल्दी। वेरी एक्साइटेड। आज के कल में आ जाएंगे। इसको ड्राई होने देंगे। गाइज, लैशेस को लगाने के लिए ना दो इकलौती टिप्स देना चाहूँगी मैं। तो पेशेंस है कि जब आप ग्लू लगाएं, ग्लू को अच्छी तरह ड्राई होने दें। जब ड्राई हो जाएगा तो लैशेस को लगाना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी है कि लैशेस को ट्रिम कर लें। आपकी आई के साइज़ की होंगी तो आसान हो जाएगा। एंड एक और टिप है, वो है कि मस्कारा लगा लें आपकी नेचुरल लैशेस पे, ताकि जब आप उसको टिकाएं आसान हो जाए लैशेस को प्लेस करना। एंड अपनी नेचुरल लैश लाइन के बहुत नज़दीक इसको रखें एंड देन कोनों को एडजस्ट कर दें। आप रख देंगे तो काम करेगा अगर आपका ग्लू ड्राई होगा, लाइक टैकी होगा। बिल्कुल ड्राई भी होगा तो नहीं चलेगा। सो ड्राई एंड नॉट ड्राई के बीच में होना चाहिए। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू। सो लैशेस हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी कि ब्राउन लाइनर लेके इसको थोड़ा क्लीन कर देंगे एंड बाहर की तरफ एक विंग क्रिएट करेंगे नकली सा। ऑलराइट दोस्तों, मैंने ना मेरे फेस को मॉर्फी का लिप लाइनर यूज़ करूँगी मैं। मॉर्फी के लिप लाइनर्स बहुत अच्छे हैं। जो शेड मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है हनीमून। मेरे लिप्स को थोड़ा सा लाइन कर लेंगे। बहुत प्यारा शेड फ्रॉम सफोरा कलेक्शन। शेड का नंबर है 13। बहुत बहुत प्यारा पिंक शेड है और हमारी स्किन पे अच्छा भी लगता है, ब्राउन स्किन पे। एंड वन मोर थिंग, सफोरा की ये लिक्विड लिप कलेक्शन में से बहुत सारे ऐसे शेड हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप इन पे वीडियो देखना चाहते हैं तो हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपके साथ ये सारे शेड शेयर कर दूँगी जो हमारी स्किन पे अच्छे लगते हैं। इसको थोड़ा ड्राई होने देंगे, फिर बहुत अच्छा प्यारा पिंक बन जाता है ये। सो मेरे फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं पैसिफिका ब्रांड का ये चेरी गोल्ड पैलेट यूज़ करने वाली हूँ। ये आपको सिर्फ शॉपर्स से मिल जाएगा। ये बहुत प्यारा शेड है। ये थोड़ा रोज़ गोल्ड किस्म का है। एक्सेस को उतार लें और हाई पॉइंट्स पे लगाएं। बहुत अच्छा ग्लो है इसमें। ऐसे लगता है कि ये मेरा परफेक्ट शेड है। बहुत अच्छा शाइन आ जाता है आपके फेस में। और ये शाइन भी इतना प्यारा है कि नकली ग्लिटर जैसा नहीं लगता है। सो इस तरह वी आर डन विद ब्यूटिफुल सिंपल ईजी ग्लिटरी पिंक आई लुक। इस मेकअप लुक से ऐसा लग रहा है कि मैं स्प्रिंग रेडी हूँ, बट एक्चुअली फॉल है। आई डोंट नो, पता नहीं, मेरा मन कर रहा था पिंक लुक करने के लिए। बट आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं इस वेडिंग सीजन, शादियों में, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स को अच्छा लगता है पिंक आउटफिट पहनना, राइट? सो आज हम डन है इस ब्यूटीफुल लुक के साथ। अगर आप इसे रिक्रिएट करेंगे प्लीज़ मुझे भी टैग कर देना इंस्टाग्राम पे। एंड आप मैसेजेस भी कर सकते हैं पर्सनल अगर आप किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं तो। एंड मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी अदरवाइज़ अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बहुत प्यारी वीडियोज़ बनाती हूँ। मैं मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, confident and strong. You guys can do any freaking thing. All you have to do is think about it and take action. That's it. Easy peasy lemon squeezy. I love you guys so very much.